दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी मेहरौनी विधानसभा के एक गांव में हम पहुंचे जिसका नाम है धवा। इस प्रकार की बातें सामने आई है कि ये चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, सड़क नहीं बनाई गई है। क्या नाम भैया? सल्ले। सल्ले, क्या समस्या है गांव की? गांव का रोड नहीं बना है। कब से नहीं बना रोड? आज 4 साल 5 हो चुके हैं। 5 साल हो चुके। नेतन से कई कई है, कौन कोई नहीं सुनता है। मन्नू गोरी से गई थी क्या? साफ वहाँ जो रोड बनवा दो फिर कोई सुनाई नहीं करी। बनवा देंगे, बनवा देंगे। मान लो बाद में बना के अपना घर चलेंगे। कितना लंबा रोड है जो लगभग है 5-6 किलोमीटर? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर इस तरफ कितने है? लगभग वही पूरा है। मान लो नारा तक जात, कितना तक जात? अब उसे तो फिर लंबाई है, फिर नहर तक की बात है। अच्छा, नहर तक को ज्यादा खराब रखवारा तक की। बरसात में क्या स्थिति बरत? बरसात में इतनी स्थिति ऐसी बरत कि हम लोग यहाँ निकल लिखो वहाँ पर भी जाते। यदि कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो अस्पताल ले जाने में एम्बुलेंस नहीं आ पा सकती है। चार पाई से ले जाते हैं, चार पाई से ले जाते हैं, आदमी लग जाएंगे तब मड़ा ले जाएंगे। चुनाव के टाइम पे आवाज उठाई? पहले आवाज क्या उठाई? पहले उठाई आवाज भाई। जब तुमने देख लिया सरकार ने विधायक बने 5 साल हो गए, तो 1 साल होते नहीं करते विधायक बनाओ, रोड बनवाओ, रोड नहीं कही है। आवाज उठाई कई बार, कह चुके उनसे कई बार, सुनते नहीं ना, उनके पास गए तो सुनते नहीं। बजट आएगा तो हो जाएगा काम। अच्छा, हम लोग पता तुम्हारे लिए बजट आ क्या नहीं आ। अच्छा, अबे प्रचार कर भी आए थे, आए थे एक जन, उनके लड़का आए थे। हाँ, कहा नाम? चंदू। आए तो उसका भाव जनहारे लगा दे। हम लोगों ने कहा हम वोट नहीं डाले। अच्छा, न वोट देंगे। चार रखे भगा तो चार, मतलब का भगदा होता नहीं देना वोट। रोड नहीं डरवा। अच्छा, वोट नहीं डरवा, रोड नहीं डरवा, वोट नहीं देना। और गाँव की कोई समस्या? गाँव रोड की, रोड की, रोड की समस्या। और कोई समस्या गांव की रोड के अलावा? कब्जा को हटवाओ। और जो कब्जा है ये कब्जा हटवाना है। कब्जा लहर धाम के ग्राम समाज में है जो, वो भी कब्जा है जो, कब्जा भी हटना है। अच्छा अच्छा, लहर धाम पे काय को कब्जा होगा? नहीं, रोड पे सब कब्जा कर ले। हमारे ग्राम समाज है सब पे कब्जा कर लिया। हम लोगों को कोई पता नहीं कीने करे, कीने करे। हम लोगों का जाके कोई है है? अरे भाजपा के नेता को है अशोक रावत है। हाँ, और हमारे गांव के सोरन साहब प्रधान, पूर्व प्रधान। हाँ, जिसकी वजह से भी हारे हैं। हाँ, उन लोगों ने कब्जा किया है। लहर धाम की जगह कैसी है? मतलब मंदिर की जगह है कि और कोई? मंदिर की नहीं, अवैध है ये ग्राम समाज जगह है। जो गरीब आदमी को पट्टे भरे जाने थे उसमें, उसमें उन लोगों ने कब्जा किया। एसडीएम ने शिकायत करो, एसडीएम ने शिकायत की थी, उन्होंने रोक लगा दी थी, लेकिन उसमें बाउंड्री तो बन चुकी। अच्छा, अब सरकार फिर से आएगी, फिर से उनका कब्जा हो जाएगा। अच्छा, सरकार आए तो फिर से कब्जा हो जाए। दाऊ का हाल चाल है? पेंशन मिल रही? हाँ मिल रही। कितनी मिल रही? कितनी मिल रही? 500 रुपये। 500 रुपये। सरकार कैसा काम कर रही? सरकार, हाँ सरकार तो अच्छा कर रही की 100 रुपया किलो तेल बेच रही। बदलने का चाहे बदलने है की चाहे अब जा तो जनता के ऊपर है। की चाहे सरकार की चाहे? मायावती की। मायावती मतलब बीएसपी? बीएसपी प्रत्याशी को है तुम्हारे? देखो रमेश किरण खटी। रमेश तो है ही नंजा। अरे बेरंजा तो मैडम तो है, जेल में तो बंद है। काय बंद है? वोट थोड़ी बंद है, वोट बंद नहीं है, ब्याह बंद का। काय बंद करा दो सो? अरे उनकी सरकार भू माफ क्या मैं उल्टी सीधी में कहिए फरावा दो। जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी को भी तो नाम बताऊं मैं, उन्हें कह नहीं पकड़ेगा जिला अध्यक्ष है तो उन्हें थोड़ी सरकार उन्हें थोड़ी पकड़ो जाने। कहीं ना कहीं रमेश खटी के संग गलत भाव। गरीब आदमी के हितैषी है, गरीब आदमी को मदद कर दी है। इतने तो आए थे करी के बात करी है। हमारे मनौरा ब्लॉक में आज 10 साल पहले उनने एम्बुलेंस का दान करो तो। अच्छा, यदि कोई बीमार आदमी पड़ जाएगा तो जो हमने अभी उनके लड़का ने। अच्छा अच्छा, मंत्री ने कछु करे? और मंत्री ने कछु करे? अरे कछु तो करो, मंत्री गांव में फिर दूसरे ढूक भी नहीं आए का हो रहे वोट मांगे इस गाँव को मंत्री नहीं आए। अच्छा, चिंते नहीं हम लोग का क्या था मंत्री। अच्छा अच्छा, का नहीं आए मंत्री? हम लोग देख क्या कि हमारी बुराई हम लोगों से डर है कि खदेड़ा हो जाए। दिल में तो जैसी तुम वैसे ही है। हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा, 5 साल उन्होंने सकल नहीं दिखाई तो वोट मांग में तो आई जाए कम से कम। ऐसे वोट नहीं मिला तो नहीं परिवर्तन करने के फिर जो आई परिवर्तन सरकार की बहन जी की।
का तो सरकार का खासियत है गुंडागर्दी नहीं होती हो, मैं हर आदमी की मतलब होती है मतलब सुनाई होती गुंडागर्दी हो रही हो रही और कब्जा होगा गुंडागर्दी होगी जो गुंडागर्दी होगी हड़प रहे वो गुंडागर्दी नहीं मंत्री नहीं हटवा पा रहे कछु करा नहीं पा रहे मंत्री के पिए हैं जो सोनू चौबे उनको खुद एक आप जाओ एक एकड़ में मकान बना है सरकारी जमीन बहुत सरकारी पड़ती पड़ी वहाँ पर गाँव लोग गरीब लोग को नहीं मिल पाए गरीब आदमी की छुड़ा ली अच्छा पैसा वैसा जैसे आपने हमें पट्टा दाओ और तुमने कही जैसे होते टोरिया थी तो जो इतने काबिल नहीं हती पहले हर की चलने की काबिल नहीं थी जो तुम जा हदबंदी भाई चकबंदी भाई जैसे सो उन्हें दूसरी जगह खाली है थी सो उतर दूसरी जगह पटक दा उन लोगों ने चकबंदी वाले और उसकी जमीन ने दूसरे जी के खेत में से कड़ी थी वह जमीन सो उन्हें पनी दूसरी पटकवा ली सो दुपट होगा सुने अब गए देखो बीज मिल रही जा और ऊपर है तो नेता ने कल्ला कब्जा उस पर सुपने मकान उठा ले अब बो का मतलब बूढ़े हो गए तुम क्या अभी जवान हो अबे जवान है मोबोल भी जवान है मोबोल भी तो जवान है मौस जवान हो बाकी सब अच्छा अच्छा सरकार कैसे काम कर रही कछु मिले तो सरकार की तरफ हमें तो कछु नहीं मिले गैस सिलेंडर आवास अब गैस सिलेंडर मिले तो बकन 2000 को भरो जा 1500 को भरो जा अच्छे दिन तो आ गए तुम्हारे पहले चूल्हा फूकना पड़ा तो सो अच्छे दिन आ गए सुबह कौन सेहत में भरे जा रहे हैं हम इधर लेके हम घुमा रहे अच्छा 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 सरकार बदलने के जैसा है सरकार बदलने के जैसा है अब बदलने पे तो चाह नहीं की चाह है सरकार बहन जी की चाह है सरकार डाल रहे वोट वोट डाल रहे प्लानिंग है पहले चमका रहे सबको दिखा दे जवाब दे सका अब जैसे आप तम चमका दे के जो रोट ऐसे ही भेनकत रहे तो हम चमका दे रज्जत रज्जत को अच्छा करो सो हम अच्छा करें सड़क अगर बनवा दो तो वोट दे दे तो मतलब है अबे मन में का वोट एन टाइम पे डाल सकती हैं सब जने हैं जैसे मान सो जने के लाइन में लगे थे कि नहीं लगे अरे खाद में लगे के आप से बड़ी जाए तो खेत दे रहे हमारे कछु तो खाद की समस्या है आदमी मिले हां टूट गया हां अच्छी आदमी करते हैं हाथ कैसे टूट गया आप पुलिस ने लठ मारे हैं पुलिस ने लठ मारे मंडी में मंडी में रामराज तो चल रहा है मैं कैसे रामराज चल रही होगी जी के राज में सब अच्छा है एक सर बिनती जैसे बात धरती खाली हो गई थी तो हम लोग गरीब आदमी हैं तो उनके लाना पट्टे दिए जाते तो आवास के हो जाते तो भी दस दस पाँच पाँच एक एक दो दो डिसमल के तो भी उस पर कब्जा करते और आप जैसे आपके लगा सत्ता है तो भारत भर को आप तो जी चल के इस पर कब्जा है जा और हमा हो जा सत्ता यही गांव में तो क्वार्टर ही तक नहीं आ रहे हैं तो मिले मकान मकान हमें कहाँ मिलो हमने जब मकान है हमने बना हुआ है अपने हाथ से सरकार नहीं दो हाँ ईट गुम्मा पारे अंत गांव से पारे कूदे फिर कूदे अब सरकार को हुज्जे वोटन की अब लाखा तो देन लगे अब तो चुनाव के बाद मिले नहीं मिला कछु चुनाव के बाद दे दे अच्छा कौन है ऐसी को दे जैसे सरकार देगा दूसरी बहन जी दे बहन जी दे बहन जी याद आ रही है अब तो दाऊसरा खेती बाड़ी के सरकार सरकार तो सही चल रही है गाँव गाँव में दारू पी रही हर घर जे लड़का भी क्या पी रहा है हम पी रहे जे पी रहे जे पी रहे जे लड़का भी क्या आ रहा है सो लोग आंखों लड़का भी क्या मार रहे हम मर रहे अजय घर घर दारू पी कर बिक रहे दारू बिकवा बंद करा दे अच्छा बिकवा बंद कर दे बंद कर दे गाँव गाँव की अरे पीवा बंद कर देंगे बिकवा बंद कर पीवे गाँव में नहीं बिकवे पीवे की तो अपनी ऊपर क्षमता है कि हमें नहीं पीना लोग नहीं नहीं पिए गाँव में नहीं बिका सो हम सुधरेंगे नहीं जी आपको तुम सुधरोगे जग सुधरेगा नहीं दाऊ और कोई समस्या ये कहा अब जो बाल बच्चे जो फंस रहे हैं अब जो नहीं पढ़े लिखे तो इनको भवस वगैरह कहने तो नौकरी नहीं कर रही क्या करना पड़ा के अच्छा तो नौकरी लग रही अरे यार जब नौकरी नहीं कर रही तो क्या अलग पढ़ा के करने का हो रहा है जो चुनाव का हो रहा है
जब सरकार नौकरी नहीं कर रही तो कोरोना आओ है कितना कितना से आओ क्या तो खान अंजा उनके ला रहे हैं ना जनता के ला रहे हैं कोरोना चुनाव के ला रहे हैं कोरोना सब घर फल है उनके ला रहे हैं ना कोरोना हमारे ला रहे हैं जनता के ला रहे हैं कोरोना है उनके ला रहे हैं वोट डाल में जाओ कि नहीं जाओ तुम लोग वोट डाल को किसी को नहीं जाओ हमारे रोड नंजा बाल बच्चे अरे जो वोट करवाए उनके ला तो दो कि नहीं दो जब जब बहिष्कार करते हैं बहिष्कार करते तुमने तो मुखिया हो को मुखिया नहीं है गाँव के एक गाँव के एक क्या मैं पढ़ा पढ़ा तो नहीं है? पढ़ाई नहीं करती हूँ छोड़ दी छोड़ दी क्या बात जागरूक हो गए ने पढ़ाई छोड़ पड़ी आठ तक पढ़ी है आठ तक यानी आप वो दो नौकरी मिलने नहीं है काय को पढ़ने यानी आप वो दो क्या करत हो रहा भाई कुछ निकाह के काम करती हूँ काय को काम करत खेती किसानी करत ब्याह होगा हाँ होगी गुजारो हो जात दो हजार पट्टी जा रहे हैं मंगोली हो जाता हूँ अरे हम क्या है सब जगह चले जाओ तो रोड डरेगा तो वोट डरेंगे नंदन रोड डरेगा तो वोट डरेगा अब रोड रात और रात तो डर नहीं जाएगा अब ऐसे काम लगाए तो वार्ड दिन वार्ड जो रोड डरवा लगा सो वोट पूरी डर दे अच्छा अच्छा दिखावे को माटी पटकना है केवल हाँ माटी मोरम डर जाए गिला मट जाए जो है जैसे जैसे दो हजार रुपया आए सुगर हाथ पे तो कछुअन को मिले हैं कछुअन को मिले नहीं ना यही सरकार है सो ढाई हजार को मिल रहा है अब किसान कन्नो बड़े मसूर मसूर लाने जा रहे बेच भी सुबह तीन हजार की बेच रहे सुबह तो वही कुप्पई खो ना फिर आगे किसान कैसे बढ़े तो सरकार जान बुझ के कर रही है सो परेशान सो ऐसे ही सरकार कर रही परेशान काय कर रही अब हमें यहाँ पता लोग गुलाम बने रहे के वही परेशान है गुलामी गुलाम तो बने ही है अरे फ्री में तो आ रहा सब कुछ राशन फ्री में कन्ने मोनियन को स्कूटी दिलवावे की बात क्या कुछ नहीं आ रहा फ्री में किसान को लेके दस बोरा गल्लो पजो सुबह तीन को जा रहा के ढाई को जा रहा तो किसान दही को तीन रोज फिर रहा अरे स्कूटी मिलने मोनियन को जो पड़वे जा रही सो अब मिले सो मिल जाए जब मिले जब कोनो जीत जाए भला बात हमारी तो मोड़ी आती समय तो मोड़ी को पैसा तक नहीं मिले थे वहाँ तक कहीं कौन है बीस हजार रुपए जब मिलते ग्यारह में मोड़ी पड़ी है अब बीस हजार मिलते तो बेई तक नहीं मिली हाँ हाँ और पाँच हजार गांठ के लग गए कागदा बनवाए अच्छा। तब रहेगा किसान साहब सरकार ने कछु तो अच्छो करे हुई है हमारे साथ है क्या करे अब मतलब में तो हमने कछु अच्छो सरकार ने कछु अच्छो नहीं अच्छो नहीं अच्छो अरे कछु तो आओगे गैस सिलेंडर आओगे आवास आओगे गैस सिलेंडर हमने छह हजार को घर को खरीदो तो अपने अच्छा हाँ तो फ्री की क्या नहीं दो गैस सिलेंडर फ्री है ये कही है हम नहीं सरकार के बाद में भरोसा है कि नहीं नहीं भी ज्यादा मतलब भी दे रहे सो दोनों तो ले रहे दोनों ले रहे सरकार जो दे रहा फ्री उसे दोनों ले रहे ले रहे के नहीं ले कुछ नहीं दे रही सरकार सरकार बदलने है पर हाँ बदलने महंगाई कैसी का हो गई महंगाई बहुत है महंगाई महंगाई क्या है महंगाई हो गई बढ़िया पूरी बनाई रही हूँ खाने के लिए सब चली रहा हुई है नहीं बन नहीं पूरी हाँ हाँ बहुत महंगाई हो गई कम होगा बनाओ हाँ होगा कम पहले पंद्रह किलो की कुप्पी आती महीना में अब पाँच किलो आ रहा वो आई रहा चला ही रहा महंगाई मुद्दा है हाँ को बचाए तुम लोगों की महंगाई से बहन जी हाँ को है प्रत्याशी प्रत्याशी रमेश खटी रमेश खटी तो जेल में है उनकी मैडम लड़ रही लड़न दो हाँ जीते के नहीं जीते जीते सब दें तो जीते बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जीते हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।